पहले पाकिस्तान और अब श्रीलंका, भारत ने इस मैच को जीत लिया, लेकिन कैसे जीता, किन हालातों में जीता और क्या भारत ने इस मैच में कन्विंसिंगली खेला? क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ खत्म हुए मैच में मुझे तो भारत की मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती हुई नजर आई। लेकिन फिर इसको आप भारत की वर्सटैलिटी कहें या फिर यूं कहें कि इन्वेस्टमेंट हमारे गेंदबाजों में, इतने छोटे लक्ष्य का डिफेंस भी उन्होंने काफी अच्छे और उम्दा तरीके से किया। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम इस समय एशिया कप 2023 में खेल रही, टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटिंग, मजबूत बैटिंग, खासकर की स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज हमेशा ही धाश प्रदर्शन करते दिखे। यही कारण है कि भारत में भी ज्यादातर स्पिन फ्रेंडली पिच ही मिलती हैं। मगर एशिया कप 2023 में मंगलवार 12 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ पूरा मामला उल्टा ही पड़ गया। सुपर फोर राउंड में भारतीय टीम का यह दूसरा मैच था जिसमें टीम 49.1 ओवर में 213 रन बनाकर सिमट गई। हालांकि यह मैच भारतीय टीम ने गेंदबाजों की मदद से 41 रनों के एक बड़े अंतर से जीत लिया और फाइनल में जगह भी पक्की कर ली। बट स्टिल यहां सबकी हैरानी इस बात पर रही कि इन सबके सब जो भारतीय टीम में 10 विकेट गिरे वे सबके सब स्पिनर्स नहीं लिए। इस मैच में श्रीलंकाई टीम के असली हीरो स्टार स्पिनर डुनित वेला लगे रहे। 20 साल के इस मिस्ट्री स्पिनर ने भारत की आधी टीम को अकेले ही लपेट दिया। मैच में वेलालगे ने 10 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। उनके बाद दूसरे स्टार गेंदबाज ऑफ स्पिनर चरित्र असलंकर हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि ऑफ स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने 1 विकेट लिया। इस तरह क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारतीय टीम के खिलाफ सभी 10 विकेट स्पिनरों ने लिए। ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा और शर्मनाक रिकॉर्ड है। वैसे वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा 10वीं बार हुआ है जब स्पिनर्स ने एक दिवसीय पारी में सभी 10 विकेट हासिल किए, पर भारत के खिलाफ पहली बार किसी टीम ने ऐसा किया है। भारत ने 1997 में इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ स्पिन गेंदबाजी में 9 विकेट गंवाए थे। वेलालगे ने मैच में रोहित, शुभमन, कोहली, ईशान और राहुल को अपना शिकार बनाया, यानी टॉप 5 बल्लेबाज वेलालगे के सामने ही ढेर हो गए, जबकि असलंका ने ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को अपना शिकार बनाया। तीक्ष्णा ने अक्षर पटेल को आउट किया। पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 12 बॉल खेली, रन सिर्फ 3 बनाए। वहीं ओपनर शुभमन गिल ने 19 रन बनाए, जबकि 5वें नंबर पर आए केएल राहुल 39 रन बना सके। इस मैच में ईशान किशन को 4थे नंबर पर भेजा गया था, लेकिन वे भी 33 रन बनाकर चलते बने। वहीं स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा तो दहाई का आंकड़ा टच भी नहीं कर सके। पांड्या ने 5 तो जडेजा ने 4 रन बनाए। कोलंबो में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने 213 रन बनाए। मैच में अकेले कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चला, जिन्होंने 48 बॉलों पर 53 रनों की पारी खेली। उनके अलावा कोई भी प्लेयर 50 नहीं लगा सका और पूरी भारतीय टीम दो स्पिनर डुनित और चरित के सामने पूरी तरीके से बिखर गई। श्रीलंका के सामने 214 रनों का छोटा टारगेट था, जिसके जवाब में उनकी पूरी टीम 172 रनों पर समट गई। टीम के लिए डुनित वेलालगे ने सबसे ज्यादा नाबाद 42 रन बनाए। उनके अलावा धनंजय डिसिल्वा ने 41 रन बनाए। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 63 रनों की पार्टनरशिप भी करी। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। वहीं रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 सफलता हासिल करी। भारतीय टीम को सुपर फोर राउंड में अपना आखिरी मैच 15 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। ये मैच अब औपचारिकता ही रह जाएगा, मगर उससे पहले 14 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला होना है। ये मैच जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से भिड़ेगी। यदि पाकिस्तान जीतती है तो फिर भारत के साथ एक बार फिर से पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ चीजें कुछ ज्यादा ही बिगड़ सी गई। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।